क्लास हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट की बेसिक्स और स्वैपिंग को पढ़ा था। इसमें हम टेक्निक्स को देखेंगे मैनेजमेंट की कौन कौन सी होती हैं, और इसके अलावा पेजिंग का कॉन्सेप्ट और वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी इसी लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पुराना जो लेक्चर है वो पूरी तरह से फॉलो किया होगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वाला चैनल जो सॉरी वो है लेक्चर है उसको एक दफ़ा गो थ्रू करें, अच्छी तरह समझें, ताकि एक तसलसल बना रहे और आपको ये वाला जो लेक्चर है ये भी मुकम्मल तरह से समझ आ सके। और अगर आप नहीं करेंगे और फिर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछले वाला जो वीडियो है लेक्चर है उस वाले को आप एक दफ़ा लाजमी गो थ्रू कर लें। थैंक यू। बस जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस किया कि हम लोग देखेंगे कि हम किस तरह से मेमोरी को मैनेज कर रहे होते हैं ओएस के थ्रू, यानी कि कोई भी वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं यानी कि कोडिंग कर रहे होते हैं, तो वो उस स्ट्रक्चर या उस कह लें आपके मॉडल के थ्रू बन रहा होता है जो एक कंपनी या एक इंडिविजुअल या एक मतलब आप कह लें ऑर्गेनाइजेशन उसको डिज़ाइन करती है। उसी तरह उसके जो है मेमोरी स्केलिंग एल्गोरिदम्स, मेमोरी एल्गोरिदम्स हो गए या स्केलिंग एल्गोरिदम्स हो गए, ये सब डिफाइंड किए जाते हैं, ये पहले से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अब कि हम किस तरह से फ्री स्पेस को ट्रैक करते हैं कि कितनी फ्री स्पेस है, कहाँ पे है, और फिर उसको किस तरह से वो करना है, एलोकेट करना है। आपके सामने जगह या चार्ट या एक मॉडल बना हुआ है, इसके अंदर डायरेक्टली एस आई टोल्ड यू अर्लियर के जो ग्रे वो है स्पेस है, ये हमेशा ये आइडेंटिफाई करेगी, ये रिकॉग्नाइज करेगी अनयूज्ड स्पेस को। और अगर हम बिट्स की बात करें, बिट्स आपके साथ सामने हैं, आपको पता है कि बिट्स जो होती हैं वो 1 0 के फॉर्म में होती हैं। बिट मैप्स के थ्रू हम एक मैप कंसिडर करेंगे, एक फ्लो बनाएंगे, एक फ्रेम बनाएंगे, जिसके थ्रू आप ये कह सकते हैं कि ये वाली स्पेस फ्री है, ये वाली स्पेस फ्री नहीं है, या ये एलोकेट हुई हुई है, ये एलोकेट नहीं हुई हुई। अब मैं इधर बात करता हूँ, थ्योरी को नहीं लेके चल रहा फिलहाल। एक डायग्राम के अंदर 4 बिट्स हैं और ये एक फिक्स साइज़ होता है जो कि आप बताते हैं अपने ओएस को कि इतने बिट का साइज़ है और इतना साइज़ है जिस पे आपने चेक करना है कि वेदर दिस इज़ यूज्ड और नॉट। बिट्स यानी कि डायरेक्टली कंसिडर कर रहे हैं हम कि 0 1 की सूरत में होता है, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे 0 इज़ एज अ अनयूज्ड पार्ट और 1 विल बी कंसिडर एज अ यूज पार्ट, यानी कि 1 विल बी कंसिडर एज अ फ्री सॉरी यूज स्पेस या एलोकेटेड स्पेस, और 0 विल बी कंसिडर एज अ अनएलोकेटेड स्पेस। अब हम ये देखते हैं, हमारे पास 4 बिट्स हैं, 4 बाइट्स हैं सॉरी। अब इसमें कितनी बिट्स जो हैं वो फ्री हैं और कितनी बिट्स फ्री नहीं है, तो चारों फ्रेम्स जो हैं हमारे सामने हैं, हम उसे एज अ फ्रेम ले लेते हैं। नंबर 1 ए जो है, इसके अंदर मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बिट्स ऐसी हैं जो ऑक्यूपाइड हैं जबकि 2 बिट्स ऐसी हैं जो ऑक्यूपाइड नहीं हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेम बना 1 1 1 1 1 0 0, इसी तरह इसका क्या बनेगा 0 0 1 1 1 1 0 0, तो सॉरी 3 दफ़ा 0, 1 2 3, और इसी तरह सी का क्या बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम 1, 0 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा 1 और 3 दफ़ा 0। तो ये एक बिट मैप का फ्रेम बनेगा जो बताएगा कि यहाँ पे बिट्स इतनी फ्री हैं। और ये काम जाहिरी बात है थोड़ा सा मुश्किल है,
मुश्किल हो सकता है। अब आपके पास स्मॉलर चंक्स आ रहे हैं, इसमें स्मॉल चंक्स आ रहे हैं, अब हमें ज़्यादा मेमोरी चाहिए, तो अब इसकी एलोकेशन किस तरह से होगी, अब इसको किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाके एलोकेट की जा सकती है, तो उस चीज़ को अब हम एड्रेस करेंगे। अब हम किस तरह से ट्रैक रखेंगे इस चीज़ को देखते हैं आप लोगों के सामने। ट्रैक मेमोरी यूजेज, लिंक लिस्ट मैंने आपको बताया था कि डबल लिंक लिस्ट जो होती है उसके थ्रू डाटा जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक होता है और एक दूसरे को पता होता है। सो नाउ द थिंग इज़ कि हम किस तरह से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है जो पिछले बिट है या नेक्स्ट बिट है, बाइट है या उससे नेक्स्ट बाइट है, उसमें कितना मेमोरी एलोकेट उससे पहले हुई हुई है या उससे बाद में हुई हुई है। लो तो लेट्स सपोज कि अगर मैं बात करूं ए से, ए में जीरो, पिछले में तो कोई भी एलोकेशन ऐसी नहीं है, मतलब स्टार्ट यहाँ से हो रहा है तो हम इसको स्टार्ट जीरो से करेंगे, पहले देखते हैं यूज़ किस में, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये जो सिक्स हैं जीरो से लेके सिक्स तक ये यूज्ड हैं, ठीक है। अब आते हैं अनयूज्ड, ये छः जो हैं पहली ये अनयूज्ड हैं और उसके बाद सॉरी यूज्ड हैं, छः स्लॉट से पहले जो हैं वो यूज्ड हैं और चार जो हैं वो अनयूज्ड हैं। अब ये यहाँ पे आ गया, अब नेक्स्ट करते हैं कहाँ तक, 10 तक, यानी कि यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से लेके 3 आगे यूज्ड आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ इस तरह से होता है। अब 13, 13 कहाँ तक, यहाँ तक अब बनेगा 13, 13 से आगे चार जो हैं वो अनयूज्ड हैं, तो ये इस तरह से यहाँ पे बता दिया गया। अब इसी तरह से 17 बन जाती है, 17 के आगे जो 9 हैं वो यूज्ड आ रही हैं, ठीक है, जो 9 हैं वो यूज्ड आ रही हैं, किसकी, सी की, समझ आइए बात। और उसके फौरन बाद जो है वो डी की यूज्ड आ रही हैं, तो हमने 17 पे आके लॉक लगाया कि 17 स्लॉट्स तक सी का डाटा पड़ा हुआ है, यानी सी प्रोसेस का डाटा पड़ा हुआ है और कितना है, 9 के ऊपर फैला हुआ है, 9 बिट्स के ऊपर जो डाटा है वो सी का पड़ा हुआ है, और उसके बाद 26 से लेके 3 स्लॉट पे डी प्रोसेस का डाटा एलोकेट हुआ हुआ है, और उसके बाद 29 से लेके 3 जो है वो अनयूज्ड है। तो इस तरह से हमें पता चल सकता है कि हम किस तरह से मेमोरी को एलोकेट करेंगे, यानी कि अब हमारे पास क्लियरली चीज़ें आ जाती हैं कि ये 6 से 4, 6 नंबर से लेके आगे 4 जो हैं वो फ्री हैं, 13 नंबर से लेके आगे 4 जो हैं वो फ्री हैं, इसी तरह 29 नंबर से लेके 3 आगे जो हैं वो फ्री हैं। तो इस तरह से 4 बाइट्स के अंदर ये बिट्स कंसिडर की जा रही हैं 6 से लेके 4, यानी कि 6 नंबर हैं कि यहाँ छठी बिट से लेके 10वें तक अनयूज्ड हैं, आगे 13 से लेके 4 तक अनयूज्ड हैं और 29 से लेके 3 तक अनयूज्ड हैं। तो इस तरह से आपको पता चलेगा। अब हम देखेंगे कि जनरली कितने तरह की चॉइसेस होती हैं जब भी आप अपनी मेमोरी को एलोकेट करना चाहेंगे अच्छी जगह पर, यानी कि एक सीक्वेंस के साथ। अच्छी अप्रोच तो ये होती है कि आपकी जो मेमोरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को यूटिलाइज करे और इस तरह से उसकी मैपिंग करें कि आगे जाके उसको फील ना हो या जो फ्री स्पेस है वो ज़्यादा ना रहे। तो जिस तरह से अभी हमने पीछे इस वाली स्लाइड में देखा, ये वाला एरिया जो है ये फ्री पड़ा हुआ है, ये एरिया फ्री पड़ा हुआ है और इसी तरह से ये एरिया भी फ्री पड़ा हुआ है। मैं एक दफ़ा इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ कि इस तरह से ये एरिया जो है वो फ्री पड़ा है, ये भी फ्री, और इसी तरह से तीसरे नंबर पे जो आते हैं, तीसरे मतलब तीसरे स्लॉट, तो ये वाली स्लॉट जो है हमारी ये है फ्री पड़ी हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ग्रे हमारा एरिया होगा वो हमारा फ्री एरिया कंसिडर किया जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बतानी है, आप ये कि इस वाली अगर हम स्लाइड की बात करें, इस वाले हम चार्ट की बात करें, तो ये हमें रीजन बता रहे हैं फ्री। अब मैं ये कहता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी क्या, ये पॉसिबिलिटी है कि ये वाला एरिया जो है वो यहाँ पे आए और फिर ये वाला स्पेस खाली हो जाए,
ठीक है, फर्ज किया ये तीन इसकी बिट्स हैं, तो 1 2 3, उसके बाद कौन सा फ्री होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है वो फ्री हो जाएगा। फिर क्या होगा कि इस वाले सी को हम लेके इधर ले आए और इस वाले डी को बिल्कुल उससे आगे ले आए, तो क्या होगा, स्पेस जो होगी वो बड़ी फिट किस्म से, मतलब एक एक तमीज़ के दायरे में, जिसे आप कहने के फिट हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो एलोकेटेड एरिया है वो आगे आ जाएगा और जो फ्री स्पेस एरिया है वो पीछे चला जाएगा, जिससे हमें एक, जब हम देखने में भी हमें बेहतर तरीका लगेगा कि हाँ इस तरह से काम हो सकता है। देखें, अब हम वही वाली बात, एलोकेटिंग मेमोरी, कि हमने मेमोरी को किस तरह से एलोकेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास तीन चार तरीके होते हैं। एक होता है फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। बेसिकली होता क्या है कि एलोकेशन क्योंकि सिस्टम ने करनी होती है, अब सिस्टम के लिए जो फर्स्ट फिट है वो क्या है, इस वाली इमेज से ज़्यादा क्लियर आ जाएगा, इमेज तो यहाँ भी है उसी, लेकिन मैं थोड़ा सा इजी करके समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट फिट क्या होता है, अब फ़र्ज़ किया कि एक आता है ई प्रोसेस, ई प्रोसेस आया, ई प्रोसेस ने देखा कि वो 3 बिट का है या 2 बिट का है या 1 बिट का है, वो आके इस जगह पे ई एलोकेट हो जाएगा, इधर इस जगह पे क्या होगा, ई आ जाएगा और ये वाली भी जगह जो है वो फिल हो जाएगी। ठीक है, ये वाली जगह भी फिल हो गई, फ़र्ज़ किया। तो अब क्या हुआ कि ये फर्स्ट फिट हो गया, यानी कि उसने देखा कि फर्स्ट एलोकेटेड एरिया या फर्स्ट स्पेस फ्री एरिया जो था फर्स्ट आते ही, तो वो जो प्रोसेस है वो वहाँ के एलोकेट हो गया। नेक्स्ट फिट की बात करते हैं, द फर्स्ट सूटेबल आफ्टर द प्रीवियसली एलोकेटेड होल। अब क्या है कि कोई एलोकेट हुआ हुआ है होल, ये एलोकेट हुआ हुआ है, अब इससे अगला जो है वो नेक्स्ट आप करेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, नेक्स्ट फिट। इसके बाद बात करते हैं बेस्ट फिट, द स्मॉलेस्ट होल डेट इज़ लार्जर देन द डिज़ायर्ड रीजन। ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ किया कि मुझे 3 बिट्स चाहिए या 4 बिट्स चाहिए, या फ़र्ज़ करें इस स्पेस की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब बेस्ट फिट के अंदर क्या होता है कि मेरे पास जो प्रोसेस है उसको 3 बिट चाहिए, लेकिन होल जो है वो 4 बिट का है, या 3 बिट चाहिए वो 3 बिट की ही है, तो क्या होगा कि मैं इस जगह पे आके प्रिंट उसे एलोकेट कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा, बेस्ट फिट हो जाएगा। वॉश फिट, द लार्जेस्ट अवेलेबल होल, यानी कि ये होल है फर्ज के, इतना बड़ा, जब हमारे पास, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि अगर मैं इस तरह एलोकेट कर दूं कि सारे साथ साथ एलोकेट हों और पीछे से स्पेस बाकी रह जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्पेस उस तरफ चली गई और दूसरी इस तरफ आ गई, अनएलोकेटेड इधर राइट साइड पे चली गई, एलोकेटेड लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, तो क्या होगा, अब ये होने लगेगा कि मेरे पास 1 बिट का आता है, अब क्या हो गया, 1 बिट खाली है, अब वॉश फिट में क्या हुआ कि इतनी स्पेस खाली और 1 बिट का दरमियान में कहीं पड़ा हुआ है, राइट पे भी फ्री, लेफ्ट पे भी फ्री, तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये वॉश फिट हो जाएगी या वॉश फिट कहलाएगी। अच्छा, हम लोगों ने जो अभी तक टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, इसमें मैंने आप लोगों को एलोकेट करना सिखा दिया है कि आपने किस तरह से एलोकेट करना है और मेमोरी किस तरह से वैसे वो मैनेज कर रही होती है डाटा को, वो तकरीबन हमने पढ़ ली है। अब जो दो मेन टॉपिक्स हमारे रहते हैं, उसमें एक है पेजिंग और दूसरा है वर्चुअल मेमोरी। अब उस टॉपिक को हमने देखना है, लेकिन वो टॉपिक हम इस लेक्चर में नहीं देखेंगे, ये दोनों लेक्चर्स हम अगले, उसमें ये दोनों टॉपिक हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। उससे पहले एक और छोटा सा टॉपिक है, फ्रीइंग मेमोरी, इसको देख लेते हैं हम। एलोकेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी अपडेटेड विद मेमोरी इज फ्रीड। ठीक है, यानी कि आपने जब एलोकेट करना है इन मेमोरी स्ट्रक्चर को या डाटा को, ये मस्ट बी अपडेट हो जब भी आपका डाटा जो है वो फ्री हो। इसी तरह से आगे है कि एक दूसरे के साथ लिंक्ड होना चाहिए, लिंक लिस्ट की सूरत में हो और एलिमेंट एक दूसरे के साथ पड़े हों, और जब भी आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़े तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। इसी तरह से
बिट मैप्स की सूरत में हो, जो अप्रोप्रिएट बिट्स मिले बिट मैप के अंदर, वहाँ पे एडजस्ट हो जाए जाके, और मेमोरी ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हो। आपके सामने यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स एक किस्म के समझ लें कि आपके पास मेमोरी फ्री पड़ी हुई है, तो यहाँ पे आके देखें कि इस जगह पे वो मेमोरी एलोकेट नहीं है। तो आपके सामने है कि अगर हम और इसको और क्लियर करूं मैं, अब जब ये बी की तरफ आता है सर, फर्ज के कि बी प्रोसेस हो जाता है, तो ये वाली इसकी मेमोरी स्पेस फ्री हो जाती है। इसी तरह जब ए वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, तो जो ए और बी या जो पहले फ्री स्पेस थी वो कंप्लीट हो जाती है, और जब दोनों क्लियर हो जाते हैं तो ये बिल्कुल वो हो जाता है कि सारा स्पेस एलोकेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, इसके अंदर आपके वो जो होते हैं ना कि फ्री रीजन जो है, ये अलग अलग डिवाइड किए हुए थे। अच्छा, इसमें टू रीजन्स विद जस्ट फ्रीड एरिया, जो फ्री एरिया है उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं हम। तो इसके अंदर फिलहाल इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में ये लिमिटेशन ऑफ स्वैपिंग, वर्चुअल मेमोरी और पेजिंग पढ़ेंगे। स्वैपिंग हमने डिटेल से भी देख चुके हैं इसी लेक्चर के अंदर, लेकिन फिर भी हम इसकी लिमिटेशन देखेंगे, बल्कि अभी ही हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा वो नहीं है, लेंथी नहीं है। इसमें क्या है कि जब हम स्वैपिंग की बात करते हैं, प्रोसेस मस्ट फिट इनटू फिजिकल मेमोरी, जो जिसके साथ आप स्वैप कर रहे हैं वो मस्ट बी फिक्स आना चाहिए इसके अंदर फिजिकल मेमोरी में, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ की जो प्रायोरिटी है या वहाँ पर इंटरप्ट जनरेट होता है, तो ये प्रोसेस इसकी मेमोरी में फिट हो, दूसरा ना हो, मेमोरी बिकम फ्रेगमेंटेड। अच्छा, इसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है, स्मॉल फ्री एरियाज बन जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, और मे बी पॉसिबल है कि लार्ज फ्री एरियाज बन जाए, तो उसमें भी उसको फिट होना लाजमी है। इसके अलावा और क्या है, ओवरले सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम, ब्रिंग इन पीस ऑफ द प्रोसेस ओवर टाइम, दे स्टिल डजेंट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेशन और पार्शियली रेजिडेंट प्रोसेसेस। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि प्रोसेसेस आपके जो पीसेस के दरमियान में आने चाहिए ओवर टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से, टिपिकल डेटा खसूसन जब हम स्वैपिंग की बात कर रहे होते हैं, तो वो स्वैपिंग जो है वो डेटा के ऊपर कर रहे हैं आप, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट है। स्वैपिंग कहाँ पे, मैंने आपको कहा था, ये एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, सिंक होते हैं, मतलब अगर आप स्केलिंग करेंगे तो स्केलिंग किस तरह से होगी, स्केलिंग डिपेंड करेगी उसके ऊपर, क्या कहते हैं, प्रोसेसर के ऊपर, जाहिर सी बात है, लेकिन प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट जो है वो उसका डाटा कहाँ पे रखेगा, वो मेमोरी के अंदर रखेगा, मेमोरी के अंदर फिजिकल मेमोरी हो चाहे फिर आप उसकी लॉजिकल मेमोरी हो, वो वहाँ पे आपका डाटा वहाँ पे रिजाइड करेगा, तभी जाके आपका प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ऐसे नहीं पॉसिबल कि सीपीयू के अंदर आपका डाटा पड़ा हुआ है जबकि मेमोरी जो सॉरी प्रोसेस है और मेमोरी जो है वो एलोकेट नहीं हो रही, इसमें क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश कर जाएगा, क्योंकि रैम में या उसको फिजिकल जगह पे या हार्ड में रोम में उसको जगह नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन फेल हो जाएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही है, आगे हम इंशाल्लाह वर्चुअल मेमोरी और पेजिंग को अगले लेक्चर के अंदर डिटेल से वो कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। थैंक यू।